पर लाइव चल रही है, किट्टू लाइव ले रही है, ठीक है। और बस मैं निकलूँगी, लास्ट के कुछ ही मिनट इसको लाइव लेने के लिए बोला है, तो इसके बाद बस फिर मैं निकलने का टाइम हो जाएगा। मैं स्टूडियो आ गई थी, बस लाइव ख़त्म हो गया, शक्ल थोड़ी बेकार हो रही है, एक सेकेंड। लाइव ख़त्म हो गया और अब हम लोग ना खाने चले हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना, कॉफ़ी है और ब्रेड पकौड़ा है, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और लाइव ख़त्म हो गया, मैं स्टूडियो आई थी, मैंने अभी हेड वॉश कराया, मैं थोड़े से बाल करवा रही थी इसलिए, तो अब हेड वॉश हो गया है, एक बार ड्राई और करवा लूँगी, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं कराती मैं क्योंकि कभी भी, तो इसको ड्राई करा के देन फिर मैं निकलूँगी यहाँ से, घर से, घर जाने के लिए दोबारा से, क्योंकि आप लोगों को बताइए हमें जाना है दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और कहाँ जाना है वो आपको आगे आते आते पता चलेगा, उसके लिए क्या गिफ्ट है क्या नहीं सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो फटाफट से मैं नाश्ता खत्म कर लेती हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ हैं, और पीछे से ना स्टूडियो लाइव सब कुछ मैडम देखने वाली है, सो मैडम के लिए तालियां बजा दी जाए। और कैसे, अच्छे से देखियो, ठीक है मैम, आपके भरोसे है सब कुछ, ठीक है। तो जिसको भी कांटेक्ट करना हो प्लीज़ मेरे नंबर पे कॉल ना करके इसके नंबर पे कॉल करना, ओके बाय बाय। यहाँ पे ना मैं स्ट्रेटनिंग करा रही हूँ थोड़े थोड़े बाल, क्योंकि मेरे पास अभी ड्रायर का इतना ज़्यादा टाइम है, तो मैंने सोचा हल्का सा वो करके, थोड़े बहुत सूखे थे तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट ही हो जाएंगे, ड्रायर में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये करा के बस मैं निकलूँगी। मुझे जाना तो मार्केट भी था, बट क्या करूँ नहीं जा पाऊँगी, मेरे को लेना दीपक के लिए कुछ और भी था, बट बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे लग रहा है मैं पहुँचते पहुँचते एक बज ही जाएगा मुझे। और अभी हमारा ये भी फिक्स नहीं है कि हम लोग जाएंगे कैसे जाएंगे, मतलब कि ट्रेन से जा रहे हैं बाय मेट्रो जा रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं है, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा। तो इसी हम लोग घर से निकल चुके हैं, और हमारे साथ हर्षु, गोलू, मैं, हम सब हैं, चलो भाई अंदर चलो दोनों, ठीक है। और सर हम घर से निकल गए हैं, मैं सीधी आ गई थी, ये भी आ गए हैं बच्चों को लेके, कहाँ जा रहे हैं हम, खाटू बाबा के पास जा रहे हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अरे अभी कहाँ बोल रहे हैं, अभी तो हम लोगों को ट्रेन में भी जाना है, मेट्रो में भी जाना है, हम लोग ट्रेन पे तो पहुंच गए हैं, मेट्रो से आ गए हैं, और चलते हैं यहाँ पे, चलो छोड़ हटो, ये सीट देखते कैसी है कैसी नहीं, ठीक है तो चलते हैं। ट्रेन चल पड़ी है, और यहाँ पे बैठे हैं ये दोनों बाप बेटी, और हर्षु ऊपर वाली सीट पर आराम से सो रहा है, ठीक है। और इन दोनों को देख लो, वो देखो गोलू, गोलू हेलो गाइस, ये तो ज्यादा ही वो करके नहीं बोलती आजकल। और अब बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर तो नहीं, काफी टाइम लगने वाला है, बट देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, उस हिसाब से आप लोगों को आगे अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए फिर चलते हैं, गोलू वहां सो रही है और हम लोग यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे हैं, देखो। और हमारे यहाँ पे एक फ्रेंड बन गई है जो कार्ड्स खेल रही है हमारे साथ, जो कार्ड्स खेलना सीख रही है, तो हम लोग यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे हैं। अच्छा फाइनली हम निकलस तो पहुँच गए, निकलस से हमने यहाँ पे ये दिया है जो भी पैन वगैरह होती है वो, और अभी हम लोग वहाँ से पहुँचते हैं, और फिर तोरण बन का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आज एकादशी भी है, तो होप सो भीड़ तो होगी बहुत ज़्यादा, बाकी आगे चल के देखते हैं, फिर बताती हूँ क्या होगा क्या। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए हैं, और कुछ ऐसा हमारा जो रूम है वो लुक करता है, काफ़ी सही है, तो बस अब हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं, और बाकी आगे जाके आपको दर्शन कराएंगे,
ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, उसको तो पैसे निकाल लिया, और इसको महान हस्ती को देखोगे तो ये देखो हम लोग निकल चुके हैं। भीड़ तो दिखाई देने दी, हो सकता है आगे हो, वैसे तो आज छोटी 11 है बट स्टिल ऐसा भी नहीं बोल सकते बिल्कुल खाली है, इतनी तो भीड़ है ही। बाकी आप रौनक देखो दिवाली की कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है फिर आपको आगे दिखाती हूँ। हम लोग दर्शन करके और खाना खा के तो वापस आ चुके हैं। खाना कहाँ खाया आप लोगों को बताएंगे, बहुत बढ़िया जगह गई। अगर कभी भी खाटू श्याम जाओ, रीजनेबल खाना खाना हो, बढ़िया खाना खाना हो, तो वहाँ पर जा सकते हो, बहुत बढ़िया यम खाना है, बिल्कुल 100% गारंटीड। और बेसिकली ना नॉर्थ इंडियन साइड इंडिया साइड से जो भी आ रहा है ना, उन लोगों को तो वैसे भी पसंद आने वाला है। हम लोगों ने पंजाबी थाली ऑर्डर की थी और सच में बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और अब टाइम टू गेट हिम सरप्राइज, अभी नहीं थोड़ी देर में, ठीक है मम्मा पहले मेरी बात। गाइस दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी बाबा की सुबह की जो सबसे पहली आरती होती है वो लेने के लिए। सो लेट्स गो। और सबसे पहले बर्थडे बॉय को बर्थडे विश करो भाई, ओए बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय बाज रहा है कभी इस सुबह की आरती में, हम सो जाए। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो पहुँच के फिर आपके दर्शन कराती हूँ, पॉसिबल हुआ तो। गाइस हम लोग वापस आ गए और पता क्या हुआ, आज ना मेरे साथ कंफर्ट हो गया, मुझे लगा था मैंने रात को चार्जिंग लाया था मेरा फोन चार्ज हो रहा था, बट अब मेरा फोन चार्ज हुआ ही नहीं। एक तो मेरी लिपस्टिक देखो, आधे पे लिपस्टिक है आधे पे नहीं है, तो मेरा फोन चार्ज हुआ ही नहीं। और मतलब मेरा फोन वहां पे जैसे पहुंची ना वो बंद हो गया, लिटरली बंद हो गया, मतलब इतना गुस्सा आया ना मुझे। पर मैंने सोचा शायद बाबा यही चाहते हैं कि मैं सिर्फ दर्शन करूं ना कि वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो इसीलिए मैंने वहीं छोड़ा फोन, मस्त दीपक की पॉकेट में डलवा दिया। और हम बहुत अच्छे दर्शन हुए मॉर्निंग में, सबसे पहले दर्शन बाबा के बहुत अच्छे हुए। अब आज का पूरा दिन हम लोग यहीं पर है तो उस हिसाब से देखते हैं। बाकी यहाँ पे लेटा हुआ है, बच्चे वहाँ पे लेटे हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं, हर्षु थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, नींदों में भी है और उठा भी हुआ है, तो देखते हैं। और अब बर्थडे बॉय का केक कटिंग वगैरह कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो फाइनली फर्स्ट गिफ्ट इज हेयर फॉर हिम और ये है कितना सुंदर सा कड़ा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो तो दिस इज द सेकेंड गिफ्ट, एक फर्स्ट गिफ्ट मैं इसको ऑलरेडी दे चुकी हूँ बहुत टाइम पहले। ये लोग दर्शन हम लोग दर्शन करके तो आ गए थे, अब भी बच्चों को नहला धुला दिया, ये देखो गोलू रेडी हो गई है, ठीक है। और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के फिर आप लोगों को चलो चलते हैं, आप भी लोग खाना खाना। और ना दीपक का एक गिफ्ट अभी रहता है, तो यहाँ पे मैं आसपास कुछ देख रही हूँ, मुझे कुछ मिल जाता है तो फिर उनके लिए लेके आएंगे। चलो सो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना पापा का नकली मुझका केक पहले ही कटवा दिया जाए। हम लोगों ने पापा को पहले गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दिखा रहे, ये देखो हमारे पापा का गिफ्ट कितना सुंदर सा कड़ा हम लोग लेकर आए हैं। और अब हम पापा की आंखें बंद करेंगे, पापा का चश्मा उतार देते हैं, उसके बाद पापा को वैसे ही नहीं दिखेगा, तो पापा चश्मा नहीं उतारते, चलो खड़े जाओ पापा के आइस क्लोज करो, आगे हो रहे पापा, आगे हो ना, आगे जा, अच्छे से हो गया ना, गलत बात है, अच्छे से बनाइयो उसमें वीडियो भी, वैसे दोनों दूसरे फोन में भी बना देना भैया, ठीक है चलो आइस क्लोज करे पापा की, अच्छे से बंद कर ले, पापा तेरा देखने लग रहा। और यहाँ पे हम हर्षी का डायपर निकाल रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर डायपर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, आप लोग देख पा रहे हैं हर्षी का इतना सुंदर डायपर, और ये हर्षी का इतना सुंदर जो डायपर हम पापा को पहनाने जा रहे हैं। खोल पापा। नहीं अभी नहीं खोल
ना पापा, चलो अब खोलो पापा, छोड़ो पापा, छोड़ो पापा, क्या छोड़ चल 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 दो रही है दस रुपये आड़ी है। हाँ दस रुपये आड़ी है यार, हद होगी, दस रुपए की चैन बता रहे, देख नाइस नहीं है अरे तो ले आए नहीं ओ उड़ो आई है तो ना घूमेर दर पीसे कौन आपके दीपी छोड़ दो यार दोनों। हम फिर से दर्शन करने जा रहे हैं, खा पी के तो आगे थे, अब फिर से जा रहे हैं दर्शन। और दिस इज आर जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, स्टे प्लेस, और अब दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ना सुबह से 5 बार शहर से दर्शन करने जा चुके हैं, और गुल्लू के पापा तो उससे फालतू बार भी, और अब फिर से जा रहे हैं 5वीं 6वीं बार, ठीक है। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पीछे देख सकते हो खाली पड़ा है। मैंने पहली बार मतलब ऐसे देखा है कि इतनी कम भीड़ है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, हो सकता है लोग दिवाली में ज़्यादा बिजी हैं, बट स्टिल भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम शायद से आज के देखते हैं ये दर्शन करने जा रहे ही हैं, इसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के निकलेंगे, क्योंकि रात की फिर हमारी ट्रेन है उस हिसाब से। और अब की बार जैसे भीड़ नहीं है ना, तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों के भी दर्शन करवा दूंगी, बाकी आगे चल के देखते हैं। बिकॉज ना वहाँ पे ना क्या होता है कि वो लोग कैमरा ऑन नहीं करने देते, और कैमरा ऑन नहीं करने देते तो फिर आप लोगों के दर्शन नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई। देख सकते हो बिल्कुल 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 खाली पड़ी है सारी लाइनें, किसी लाइन में कोई एक आधा इंसान है तो है, नहीं तो कोई नहीं है। और यहाँ पे हमारे बाबा हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और सीरियसली सब खाली पड़ा है इधर, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग आरती का वेट कर रहे हैं कि आरती के टाइम पे ही जाएंगे, सो वेट करते हैं। हम लोग दर्शन करके आ गए और शाम की आरती भी मिली है, और अब मैं जा रही हूँ दीपक के लिए केक वगैरह लेने के लिए। रूम में नहीं काटेंगे, मैंने उसको बोला है कि वो ना बैग्स रख के और यहीं पर आ जाएगा, तो फिर हम लोग वहाँ पर केक वेक आराम से काट सकते हैं ताकि, ठीक है। चलो चलते हैं और अपना केक ले लेते हैं, थोड़ा टेबल वेबल जैसे मेरे से हो पाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो कर देंगे, ठीक है। सो गाइस अब टाइम है केक कटिंग का, और ये हमारा केक है, यहाँ पे रेड वेलवेट था नहीं तो इसीलिए ये लोग ना सिर्फ नॉर्मल केक बनाते हैं, रेड वेलवेट वगैरह औकात में रहने का। दर्जा पापा के पास, पापा के पास जाओ साइड में, बिठा दो एक साइड। आप लोग देख सकते हो अब खाना वाना खा के हम लोग बैठ गए हैं, और ये यहाँ पे पता नहीं क्या ही बना रहे, समझ नहीं आ रहा, और ये यहाँ पी रही है, ठीक है। सो हम लोग अब बस निकलने की तैयारी करते हैं, चले चलो। हम लोग अब होटल से निकल गए और मैंने चेंज भी कर लिया है, बस अब हमारी ट्रेन है वापसी की, तो हम लोग निकल रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हम सीधा आपको मिले, या तो अपने घर पहुँच कर, या तो अगर ट्रेन में ऐसा कुछ हुआ दिखाने लायक तो मैं आपको पकड़ जाऊंगी। चलो हम लोग घर पहुंच गए, और मैंने बोला था ना ट्रेन में या तो कुछ दिखाऊंगी या तो नहीं दिखाऊंगी, तो सीधा घर पहुंच गए। और दिस इज द नेक्स्ट डे, आज है छोटी दिवाली, और हमने लाइटें वाइटें लगा ली, मतलब कल से मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, आते ही सो गए, उठने के बाद फिर वही दिवाली की सफाई एंड ऑल,
बहुत ज्यादा बिजी थी। हमने अपनी लाइट वगैरह लगा ली है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे लाइट लगी हुई है। देन और भी जो काम था हमने बहुत सारा काम किया है, क्लीनिंग वगैरह का। और अब जस्ट मुझे स्टूडियो जाना है, बट इस ब्लॉग को एंड करूंगी यहीं पे, वरना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं खींचते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय श्री श्याम।